हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की जो हेयर ऑयलिंग रूटीन उन्होंने शेयर किया था अपने चैनल में, तो मैं उस हेयर ऑयलिंग रूटीन को फॉलो करूंगी स्टेप बाय स्टेप। सारे ही स्टेप्स मैं फॉलो करने वाली हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या वो जो हेयर ऑयलिंग रूटीन है उन्होंने जो दिखाया है, क्या वो जेन्युइनली वर्क करता है, क्या वो पास है या फिर वो फेल है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम एक सेलिब्रिटी है, वो उन्होंने बिग बॉस भी जीता है और उन्होंने हाल ही में ही लॉकडाउन में अपना एक यूट्यूब चैनल खोला था। तो मैं उनके चैनल को फॉलो करती हूँ, आई एम अ सब्सक्राइबर ऑल्सो, और मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उनके सारे वीडियोस देखती हूँ। तो उन्होंने ना कुछ महीने पहले अपने चैनल पर एक हेयर ऑयलिंग रूटीन शेयर किया था अपना, तो मुझे लगा कि चलो ये जो हेयर ऑयलिंग प्रोसेस है ये मैं अपने ऊपर ट्राई करूंगी, सारे ही स्टेप्स फॉलो करूंगी और ये कितना हद तक वर्क करता है वो भी मैं आप लोगों के साथ फिर जेन्युइनली शेयर कर पाऊंगी। सो उनका जो वीडियो का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप उस वीडियो को चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। सो मैं अभी अपने फोन में उनके वो वीडियो देखूंगी और मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ही स्टेप्स फॉलो करूंगी। सो फर्स्ट उन्होंने ये वाला किट इस्तेमाल किया है, ये किट है रे नेचुरल्स की तरफ से। ये रे नेचुरल्स एक किट है जहाँ पर एक टी ट्री एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल मिलता है। तो सबसे पहले उन्होंने एक इस तरीके का कांच का बाउल लिया है, मेरे पास छोटा है, उन्होंने थोड़ा सा बड़ा लिया था बट मेरी मम्मी ने मुझे छोटा वाला ही दिया है, सो नेवरदलेस वी विल मैनेज। तो इस तरीके के बाउल में सबसे पहले उन्होंने ऐड किया है कैस्टर ऑयल, ये है रे नेचुरल्स कैस्टर ऑयल। मैं पहली बार इस कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ तो आई डोंट नो ये कितना हद तक काम करेगा। ये है 100% प्योर एंड नेचुरल कैस्टर ऑयल। इसमें लिखा है कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, कोल्ड प्रेस्ड लिखा है। उन्होंने बोला भी था अपने वीडियो में कि कोल्ड प्रेस्ड मतलब होता है कि जब कोई ऑयल या कुछ चीज बनाया जाता है तो उसे हीट करके उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसे निकाला नहीं जाता, उसे प्रेस करके निकाला जाता है। दैट्स वाई उसके जो गुण है ना वो इसके अंदर होते हैं अच्छी तरीके से। हीटिंग के वक्त कई सारे गुण निकल जाते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो सारे ही ऑयल्स, ये कोकोनट ऑयल भी कोल्ड प्रेस्ड है। सो इसका प्राइस है 300 रुपीज, और जो भी मैंने इसे अमेजन से परचेस किया है तो मैंने जहां से परचेस किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो सबसे पहले उन्होंने इसका, और हाँ बाय द वे इसके साथ मुझे ये कॉम एप्लीकेटर भी रिसीव हुआ है लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में नहीं इस्तेमाल किया था। इसका फ्रेग्रेंस ना ऐसे प्योर जैसे कैस्टर ऑयल का जो फ्रेग्रेंस होता है, टिपिकल कैस्टर ऑयल का फ्रेग्रेंस, प्योर कैस्टर ऑयल का वैसा इसका फ्रेग्रेंस है। तो सबसे पहले मैं इसका उन्होंने ना 2 टीस्पून लिया था कैस्टर ऑयल, तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल का ऐड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये ऑयल ना काफी ज्यादा थिक है, बहुत ही ज्यादा थिक इसकी कंसिस्टेंसी मुझे लगी इस कैस्टर ऑयल की, विच इज नाइस क्योंकि कैस्टर ऑयल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी के होने चाहिए, प्योर कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट उन्होंने ना ऐड किया था कोकोनट ऑयल, तो इस कोकोनट ऑयल के साथ भी मुझे कॉम एप्लीकेटर रिसीव हुआ है और इसका प्राइस भी 300 रुपीज है। ये कोकोनट ऑयल भी उन्होंने 2 टीस्पून लिया था तो मैं ये भी ऐड करूंगी 2 टीस्पून, 1 एंड 2। तो मैंने ऐड कर लिया है ये कैस्टर ऑयल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा भारी ऑयल है, बहुत ही थिक ऑयल है, तो इसीलिए कोई कैरियर ऑयल के साथ हमें इसे मिक्स करना है, इसे अप्लाई करना है। तो कोकोनट ऑयल वर्क्स एज अ कैरियर ऑयल, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। ये जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है ये उन्होंने 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स ऐड किया था, मैं यहाँ पर 1 ड्रॉप ऐड करूंगी। ठीक है, इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स मैंने ऐड कर लिया है। नेक्स्ट उन्होंने ऐड किया था रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं शेयर करूंगी। ये भी 1 to 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, इन सारे ऑयल्स को अच्छे से मिक्स करके
फिर अपने स्कैल्प पर उन्होंने अप्लाई किया था। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके की हो गई है, काफी ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी है। क्योंकि जब मैंने कैस्टर ऑयल सिर्फ लिया था उस टाइम बहुत ही ज्यादा थिक हो गया था, लेकिन अभी काफी ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी हो गया है कैरियर ऑयल मतलब कोकोनट ऑयल ऐड करने से। सो नेक्स्ट स्टेप में ना उन्होंने थोड़ा सा ऑयल को गर्म किया था माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए। तो मैंने भी इस ऑयल को माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए गर्म कर लिया है। तो अभी हल्का सा ये वार्म है, तो अभी मैं अपने होल स्कैल्प पर और अपने हेयर लेंथ पर भी इसे मैं अप्लाई करूंगी। वैसे फ्रेग्रेंस तो मुझे काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि जो एसेंशियल ऑयल हमने ऐड किया था ना तो उसका फ्रेग्रेंस मुझे मिल रहा है। एंड टी ट्री एसेंशियल ऑयल का फ्रेग्रेंस ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इसमें इस तरीके से अपने स्कैल्प में अप्लाई करूंगी। एक्चुअली कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल अगर आप अपने आई लैशेस पर भी अप्लाई करते हैं ना तो आपके आई लैशेस की भी ग्रोथ काफी जल्दी होती है। अपने आईब्रोज अगर आपके बहुत ही ज्यादा पतले आईब्रोज है तो अपने आईब्रोज पर भी आप कैस्टर ऑयल को लगाकर हर रात को सो सकते हैं। इससे आईब्रोज भी घने होते हैं, डार्क होते हैं। और कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक कैरियर ऑयल है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप किसी भी ऐसे थिक ऑयल के साथ उसे मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली कोकोनट ऑयल हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, जो कि आजकल हम सभी फेस करते हैं हेयर फॉल की इशू। और जैसे कि हमने यहाँ पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल ऐड किया है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल खरीदना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हेयर के लिए भी काफी अच्छा अच्छे से वर्क करता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है। अगर आपकी स्कैल्प इचीनेस है स्कैल्प में कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उससे भी प्रिवेंट करता है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आप ऑयल के साथ 1 ड्रॉप मिक्स कर दीजिए, उससे ही काफी अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट हमने ऐड किया है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके हेयर में ना काफी ज्यादा पसीना हो जाता है, स्कैल्प में बहुत ज्यादा पसीना होता है, अभी तो समर सीजन है, समर सीजन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्वेट की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसमें ना रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आप 1 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं अपने ऑयल में। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके बदबू आती है आपके स्कैल्प से बहुत ही ज्यादा पसीने की वजह से तो काफी खूबसूरत सा एक फ्रेग्रेंस छोड़ता है, इचीनेस को दूर करता है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एसेंशियल ऑयल्स भी हमारे हेयर के लिए। सो मैं इसे अच्छे से मैंने मसाज कर लिया है। सो ऑयल को ना आपको अपने एंड्स पर भी फोकस करके लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एंड्स अगर ड्राई हो जाता है तो आपके हेयर फॉल के चांसेस भी बढ़ जाती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है जिससे बाल लंबे नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा एंड्स पर भी फोकस करती हूँ। सो मैंने अप्लाई कर लिया है जैसा उन्होंने दिखाया था अपने वीडियो में, उस तरीके से मैंने पूरे हेयर पर और अपने स्कैल्प पर अच्छे से इस ऑयल को मैंने अप्लाई कर लिया है। अब चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं 2 आवर्स तक वेट करूंगी क्योंकि ओवरनाइट में नहीं रखूंगी, मुझे ठंड लग जाती है, दैट्स वाई। 2 आवर्स के बाद मैं शावर लूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेरा जो रिव्यू रहेगा, ऑनेस्ट जो रिव्यू एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं शेयर करूंगी। ऑलराइट गाइस, सो आई हैव ड्राइड माय हेयर एंड मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है बिकॉज मेरा आज न्यूज रीडिंग है, सो आई एम गोइंग फॉर न्यूज रीडिंग। ओके एनीवेज, बट यू कैन सी माय हेयर, मतलब इंस्टेंटली ऐसे लग रहा है कि आई हैव डन अ हेयर स्पा फ्रॉम अ वेरी रिनॉन्ड पार्लर। राइट नाउ यू कैन सी माय हेयर, ईच स्ट्रैंड काफी ज्यादा हेल्दी फील हो रहा है, बाउंसी लग रहा है। यू गाइस कैन सी माय हेयर लुक्स इंस्टेंटली हेल्दी। एक वॉश के बाद ही मैंने शैम्पू किए है और उसके बाद ही आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं मेरे हेयर। एंड आई कैन फील द सॉफ्टनेस ऑल्सो, काफी ज्यादा कोकोनट ऑयल और इतने सारे एसेंशियल ऑयल्स की वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड एक अलग सा खुशबू भी मुझे महसूस हो रही है, विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि स्वेटी स्कैल्प की वजह से कई बार हमारे स्कैल्प से थोड़ा सा ओडर आता है। तो उससे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी हद तक वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि एसेंशियल ऑयल की जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा एक हल्का सा फ्रेग्रेंस मुझे फील हो रहा है। सो आई थिंक दिस डेफिनेटली वर्क्स, यू ऑल कैन ट्राई दिस। ये जो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का जो हेयर ऑयलिंग रूटीन था ये मैंने ट्राई किया एंड मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड शी वॉज ऑल्सो इंसिस्टिंग ऑन हर वीडियो कि हमें जो हेयर ऑयल है वो रेगुलर बेसिस पर करनी है, वीक में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो मैं तो डेफिनेटली इस हेयर ऑयल रूटीन को वीकली 3 टाइम्स फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा रिजल्ट नजर आया। इनफैक्ट जब मैं हेयर वॉश कर रही थी ना तब मुझे उतना ज्यादा हेयर फॉल भी महसूस नहीं हुआ है, मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा।
सो मुझे लग रहा है कि ऑन डेली बेसिस अगर मैं इस हेयर ऑयलिंग रूटीन को फॉलो करूँगी तो मेरे हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप इसी तरीके का वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।